स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। बाय मिस भी खरीदना, परचेस मिस खरीदना, कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों का अर्थ खरीदना है तो चाहे जहां लगा लो। रे नहीं, इनकी सिचुएशंस हैं, बाय अलग जगह लगते हैं, परचेस अलग जगह लगते हैं। आप गलती कर सकते हो और एग्जाम में नंबर भी कट सकता है, और कभी कभी सामने वाले भी अगर पता है और आप बोले तो वो भी सोचेगा कि आपको गलत पता है। तो खैर, सोचने वाले के लिए मत पढ़िए, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। तो बाय मिस भी खरीदना और परचेस भी खरीदना, लेकिन इनकी कंडीशन सिचुएशंस क्या है तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, एकदम देसी भाषा में एकदम समझ में आ जाएगा। बाय का यूज हम लोग तब करते हैं जब जो चीजें हम अक्सर खरीदते हैं, जैसे दाल, चीनी, चपाती, डे टू डे लाइफ में जो हमारी प्रतिदिन की जरूरतें हैं, अगर वो हम खरीदने के लिए कहते हैं, जैसे सब्जी खरीदना, दाल खरीदना, चीनी खरीदना, इन सारी चीजों को खरीदने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। टी शर्ट जैसे कपड़े भी हम लोग अक्सर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अब घर के सामानों से जो जरूरतें हैं जिनके बिना नहीं वो पूर्ति हो पाएंगे, हमें लेना पड़ेगा, तो वहाँ बाई अक्सर खरीदने के लिए, जो हम अक्सर खरीदते रहते हैं। लेकिन परचेस का यूज हम लोग तब करते हैं जो चीज़ें हम रेयरली खरीदते हैं, जैसे गाड़ी हो गई। अब ऐसा नहीं ना कि रेगुलर जाके चरपहिया गाड़ी खरीद के आना है, भाई मुकेश अंबानी के रिश्तेदार तो है नहीं हम लोग, तो उस तरह से परचेस का यूज हम लोग करते हैं रेयरली जो चीज़ खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लैट घर खरीदना हुआ, गाड़ी खरीदना हुआ, जो भी महंगी चीजें हैं, जो एक्सपेंसिव हैं, जो कभी कभार हम लोग खरीदते हैं, वहां पे हम लोग परचेस का यूज करते हैं। और बाय का यूज हम जो अक्सर खरीदते रहते हैं घर की चीजों को, दाल मसाला, चीनी चपत्ती, कपड़े सपड़े, जो सब्जी से निकले, बाय का यूज। तो मैं थोड़ा सा आप लोग लिख देते हैं यहाँ अक्सर खरीदना के लिए, अक्सर खरीदना, और यह है कभी कभार खरीदना, कभी खरीदना, ठीक। ये कभी कभार खरीदने के लिए, जैसे हो जाएगा आई विल परचेस ए कार, मैं एक कार खरीदूंगी, ठीक है। तो वहां पे आप बाय नहीं लगोगे, आई विल बाय ए कार, आई विल परचेस ए कार, क्योंकि कार तो भाई एक्सपेंसिव है और हम रेगुलर तो से लेते नहीं है। कार हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, एयरप्लेन हो गया, जो भी चीजें हैं। और बाइक के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं आज सब्जी खरीदूंगी, आई विल बाई वेजिटेबल टूडे, ठीक है, इस तरह से। तो जो आपके रेगुलर यूज के लिए है, एग्जाम्पल लिख दें, लिख देते भाई, आई के साथ सेल का यूज भी कर सकते हैं, आई विल बाई वेजिटेबल टूडे। अब मान लीजिए आई विल बाई, तुम लिख लीजिए यू विल परचेस ए कार। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ही क्लियर है कि अक्सर खरीदने वाली चीजों के लिए बाय लगाते हैं, कभी कभार खरीदने वाली चीजों के लिए परचेस लगाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो के लिए, स्पोकन के लिए, 9th से 12th के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।